चलिए बेमेतरा के बाद आज अपने को स्टार्ट करना है कौन सा जिला? कवर्धा जिला। ये रहा लोकेशन कवर्धा जिले का, ये कवर्धा जिला। ठीक है, देखिए केवल कवर्धा की बात करेंगे तो ये देखो, ये मुंगेली, बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, इतना नहीं बोलना है आपको, केवल एक ही नाम बोलना है। क्या? खैरागढ़। क्या नाम बोलना है? खैरागढ़। बस ये मुंगेली, ये बेमेतरा, ये खैरागढ़, बाकी पूरा इधर एमपी की सीमाएं लगती है। किसकी सीमाएं लगती है? एमपी की सीमाएं लगती है। इधर देखो मुंगेली है एक, उसके बाद बेमेतरा दो, तीसरा खैरागढ़, उसके बाद किसकी सीमाएं लगती है? एमपी की। और एमपी में इधर ऐसा एक माउंटेन रेंज चला आ रहा है, ये सतपुड़ा का हिस्सा है बेटा। ये देखो ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज बेटा पूरा मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात तक जाता है। इधर गुजरात तक नाम है क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये इधर इधर झारखंड तक जाएगा, इधर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये वाला जो विस्तार है, इसको छत्तीसगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है, इसको बोलते हैं मैकल, मैकाल पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच नेचुरल बाउंड्री का काम कौन सा पर्वत रेंज या माउंटेन रेंज करता है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? मैकाल पर्वत श्रेणी। ओके, दूसरा चीज ये याद रखना है, इसका ढाल पूछता है, स्लोप। तो इधर की नदियां हमेशा इधर बह रही है। अब मैं नहीं बताऊंगा किधर स्लोप है, तुम्हें बताओ इसका ढाल किधर होगा? ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर। किधर है इसका ढाल? पूर्व की ओर। ये कुछ क्वेश्चन पूछता है। ये एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसकी सीमाएं किसके साथ लग रही है? एक अदर राज्य के साथ। नाम क्या उसका? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो एमपी के साथ इसका बॉर्डर लग रहा है, इसलिए ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, ये रहा आपका कबीरधाम जिला। मैं मात्र इसमें आपको तहसील बस बनाऊंगा, ठीक है? तहसील और रोड और नदी, जितने का काम है उतना ही चीज बनाना है इसमें। तहसील, रोड। चलो पहले रोड की बात करते हैं। तो ये सितारगंज, आज मैं आपको NH 30 भेजा हूं मैप, ठीक है, NH 44 भेजा हूं। पूरे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44, लगभग 3700 किलोमीटर, 3700 प्लस 37, ठीक, 37, 3700 प्लस, ठीक है, सबसे लंबा। इसका NH 30 का कितना बताया था? 20-40। कितना है? 20-40। कहाँ से आता है ये? कहाँ से आ रहा है ये? उत्तराखंड में, जगह का नाम ठीक है, NH 30, NH 30, ये NH 30 उत्तराखंड, इससे आता है और जाएगा कहाँ? आंध्र प्रदेश तक। तो अपना पूरा ये देखो, इधर देखो, ये आ रहा है, देखो ये ध्यान से, इधर देखो, ये कवर्धा से आया बेमेतरा, बेमेतरा से ये बलौदा बाजार का सिमगा, सिमगा से रायपुर, धमतरी, कांकेर, ये कोंडा गांव, ये बस्तर, ये पूरा बस्तर, ये कोंटा 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 आएगा, ये जगह में पड़ेगा कोंटा। ये सच में क्या है? कोंटा। इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का लाइफ लाइन नेशनल हाईवे। कौन सा है? NH 30, ओके, ये NH 30 हो गया। NH 30 पर, ठीक है, एक आपको याद रखना है, यहां पर एक कवर्धा के पास जगह पड़ेगा पोंडी, जगह का नाम पोंडी। इस पोंडी से ये सीधा चले जाएगा कहाँ? मुंगेली। पोंडी से कहाँ जाएगा? मुंगेली। और इधर देखिए, ये है एक जगह पंडरिया, जगह का नाम पंडरिया। इस पंडरिया पर इधर से आके एक स्टेट हाईवे मिलेगा, SH 7। ये SH 7 यहां तक साथ ही साथ आएगा, उसके बाद ये पहुंच जाएगा कहाँ? खैरागढ़। कहाँ पहुंच जाएगा? खैरागढ़। ठीक है, ये अभी क्या है? SH 7, स्टेट हाईवे नंबर 7, स्टेट हाईवे नंबर 7। इतना याद रखना है, स्टेट हाईवे नंबर 7 है, नेशनल हाईवे नंबर 130, 130A है, 130A। ये है केवल 30,
अब देखो तहसीलों की बात करते हैं, तहसील तहसील पर ध्यान दीजिएगा। एक तहसील, तहसील का नाम सुनिए, बोडला। तहसील का नाम क्या है? बोडला। बोडला तहसील के बाद सीधा इसका जिला मुख्यालय और साथ में तहसील याद रखना है। ये कौन सा जगह हो जाएगा आपका? कबीरधाम। कौन सा जगह हो जाएगा? कबीरधाम। कबीरधाम के बाद ये ऊपर में दिख रहा है क्या? पंडरिया। जगह का नाम क्या है? पंडरिया। पंडरिया के नीचे यहां पर मिलेगा सहसपुर लोहारा। कल सहसपुर बताया था, आज बता रहा हूं सहसपुर लोहारा। ये चार तहसील भी है, चारों के चारों विकास खंड है। चारों के चारों तहसील है, चारों के चारों क्या है? विकास खंड है। एक अलग से यहां याद रखना, रेंगा खार। रेंगा खार ये केवल तहसील है, विकास खंड नहीं है। ये केवल क्या है? तहसील है, विकास खंड नहीं है। इधर देखिए। अच्छा पहले आउटर को देखो, आउटर आउटर को। ये नीचे कौन सा जिला पड़ेगा आपको? खैरागढ़। कौन सा जिला? ये खैरागढ़। ये देखो इतना बाउंड्री खैरागढ़ के साथ लगा है। किसके साथ लगा है? खैरागढ़ के साथ। इतना बाउंड्री, इतना बाउंड्री किसके साथ लगा है? बिल्कुल नहीं टच करता, ठीक है? दुर्ग की सीमा को बिल्कुल टच नहीं करता है, ठीक है? नीचे, हाँ ऊपर मुंगेली, ये पूरा का पूरा बेमेतरा है बेटा। ये यहां पर भी नहीं है, ये पूरा इस पार क्या है? बेमेतरा। ये पूरा क्या इधर? बेमेतरा, ठीक है? ये पूरा इधर बेमेतरा है, इधर पूरा बेमेतरा, यहां से यहां तक ये पूरा बेमेतरा है। ये पूरा बेमेतरा, ऊपर में मुंगेली और इसके बाद से, अच्छा इसको मुंगेली बना दिया, इसको बेमेतरा, चलो कोई बात नहीं, अपन यहां तक बना देते हैं। इसके बाद से ये पूरा मैकल पर्वत श्रेणी, इधर मध्य प्रदेश, ये इसका आउटर हुआ। तीन डिस्ट्रिक्ट, खैरागढ़, बेमेतरा और मुंगेली, ठीक है? और एक राज्य, कौन सा? मध्य प्रदेश। इसके इधर पर बात करते हैं तो ये पूरा एक माउंटेन रेंज फैला हुआ है। नाम क्या है इसका? मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल माउंटेन रेंज। मैकल माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है आपको बदरगढ़। इस मैकल माउंटेन रेंज का छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा चोटी या पिक पॉइंट, नाम क्या है इसका? बदरगढ़। नाम क्या है इसका? बदरगढ़। 1176 मीटर ऊंचाई के साथ मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़। नाम क्या है इसका? बदरगढ़। एक ऊपर और पहाड़ पड़ता है, इसका नाम है कांदावानी। इसका क्या नाम है? कांदावानी, कांदावानी माउंटेन रेंज। कांदावानी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम याद रखिएगा, हाफ नदी। कौन सी नदी? हाफ नदी। एक हो गया, इसी इसी से एक और नदी निकलती है बेटा, इसका नाम याद रखना है आपको, सकरी नदी। कौन सी नदी? सकरी। ऊपर वाला हाफ नदी, नीचे वाला सकरी नदी। ऊपर वाला कौन सा नदी? हाफ नदी। देखो इधर ऊपर मध्य प्रदेश में पड़ता है बेटा अपने को अमरकंटक। अमरकंटक से ऐसे एक नदी निकलती है, नाम है इसका नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा से यहां से दो नदियां जाकर मिलेगी नर्मदा में, एक एक एक। ये है भिलाई, ये है टुटोरियल। बंजर और तान, बंजर और तान दोनों नर्मदा की सहायक है। किसकी ट्यूब्रिटरी है? नर्मदा की। किसकी सहायक है? नर्मदा की। तो ये नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम की दो नदियां यहां से याद रखना है, कवर्धा से। एक का नाम है बंजर, एक का नाम है तान। बंजर और तान दो ट्यूब्रिटीज याद रखनी है आपको नर्मदा की।
उसके साथ साथ याद रखना है दो नदी ऊपर बताया, एक नदी का नाम है हाफ नदी और दूसरे का नाम बताया सकरी नदी। हाफ नदी पर एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है पचराही और सकरी नदी के तट पर आपको पड़ेगा कवर्धा, सकरी नदी के तट पर पड़ेगा भोरमदेव। ये है अदर जानकारियां, ठीक है। इतने के बाद चलो अपना मैप, ये कई जगह बचाई आई। नीचे अपने को क्या पड़ेगा, खैरागढ़। नीचे क्या है, खैरागढ़। इस तरफ पूरा क्या है, बेमेतरा। ऊपर पूरा क्या है, मुंगेली। और इधर पूरा क्या है, एमपी। ये हो गया नक्शा। चलिए इसके बाद फटाफट ये सीधा निकल जाएगा बेमेतरा, NH 30। ठीक, देखिए जैसे, और इसके बॉर्डर बॉर्डर पर ये बनाना एकदम जरूरी है। ये है मैकल पर्वत श्रेणी, कौन सा रेंज, मैकल माउंटेन रेंज। ओके, आगे देखिए, जैसे NH 30 पर अपन एंट्री करते हैं, अपने को यहीं पर ये बॉर्डर पर एक वैली पड़ेगा, घाटी। नाम है इसका चिल्फी घाटी। नाम क्या इसका, चिल्फी घाटी। ओके, चिल्फी घाटी पर ही जब आओगे तो आपको एक फेमस डैम पड़ेगा, एक पर्यटन स्थल है, नाम है सरोधा। सरोधा डैम है, सरोधा पिकनिक स्पॉट है, सरोधा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। आगे जाएंगे तब इस रोड पर अपने को एक जगह पढ़ना है, क्या नाम है, बोडला। तहसील का नाम क्या है, बोडला। तहसील का नाम क्या है, बोडला, बी फॉर बोडला। बोडला कोई काम का नहीं है, लेकिन इस बोडला में ये अपने काम का, देखो ABCD, 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 चार जगह ABCD, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, तो अपने को एक जगह पड़ेगा जिसका नाम है चौरा ग्राम, गांव का नाम चौरा ग्राम। चौरा ग्राम से ऐसा तीन और जगह याद रखना, 1, 2, 3, तीनों आसपास ही है, फेमस फेमस मंदिर है, भोरमदेव मंदिर, ठीक है। एक का नाम है मड़वा महल और एक का नाम है छेरकी महल। चौरा ग्राम, कौन सा ग्राम, चौरा ग्राम, भोरमदेव, मड़वा महल, छेरकी महल। और आगे चलेंगे तो अब अपने को जगह पड़ेगा रामहेपुर, जगह का नाम क्या पड़ेगा, रामहेपुर। रामहेपुर से आगे जाने पर पड़ता है अपने को जगह हरिल छपरा। हरिल छपरा के बाद यहां पर जगह पड़ेगा पोंडी, पोंडी। यह पोंडी से सीधा मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, 130 A। और जस्ट इसके बाद, पोंडी के बाद, पोंडी याद रखना छोटा सा जगह है, पोंडी बस जंक्शन है। पोंडी के बाद इस जगह का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, नाम क्या इसका, कमरथा। ये एक ही जगह है, पोंडी कमरथा लगा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। ये इतना दूर में बनाऊंगा, टेंशन में आ जाओगे तुम लोग। कलर ही चेंज हो गया, नेशनल हाईवे का। ये है कमरधा, ठीक है। ये ऊपर और ये नीचे, अगर यहां पर एक जगह बताया पंडरिया, जगह का नाम पंडरिया। पंडरिया से ये थोड़ा सा मुंगेली जाके फिर मुड़ जाएगा स्टेट हाईवे नंबर 7 पर, स्टेट हाईवे नंबर 5। 7 तो कल बताया था रे, SH 5।
छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-30, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे State Highway No. 5। एक सबसे लंबा नेशनल हाईवे, एक सबसे लंबा स्टेट हाईवे है, ठीक है। यहां पर पड़ेगा तेरे को बकेला, जगह का नाम बकेला, और यह है तेरा विशेसर। विशेसर आप बोलते हैं, विशेसर याद रखना। ये तेरा है कौन सा जगह, पंडरिया, और ये रहा तेरा पचराही। ये कौन सा जगह रहा, पचराही। अब यहां पर आपको याद रखना है इसके दो पीक पॉइंट। ये कौन सा जगह है, कांदावानी की पहाड़ी, काहे का कांदा, कांदा, कांदावानी का पहाड़ी, ठीक है। इस कांदावानी के पहाड़ी से निकलता है कौन सा नदी, हाफ नदी। कौन सा नदी, हाफ नदी। अरे छत्तीसगढ़ में रहते हो और कांदा नहीं, जिमी कांदा, जिमी जिमी जिमी, कांदा कांदा कांदा, रांधो रांधो रांधो, सुने होगा ना, हाँ ठीक है। तो ये कांदावानी की पहाड़ी से हाफ नदी, कौन सी नदी, हाफ, नाम हाफ है पूरा है लेकिन, ठीक। हाँ इधर से देखिए, ये मैकल पर्वत श्रेणी से ही एक और नदी निकलती है, भोरमदेव इसके तट पर है, कंवर्धा इसके तट पर है, नाम है सकरी नदी। नाम क्या इसका, सकरी नदी, ओके। ये नदियों की बात हुआ। इस रोड पर नीचे आइए, रामपुर ठाठापुर, रामपुर ठाठापुर, एक साथ नाम याद रखना, रामपुर ठाठापुर, इसके नीचे सहसपुर लोहारा, और ये इधर पड़ेगा आपको क्या, रेंगा खार। इधर क्या पड़ेगा, रेंगा खार। इतना जगह याद हुआ नहीं हुआ रे, ये बताओ, फिर आगे बात करेंगे। इतना जगह याद हुआ, ये देखो एक जगह, रामचुआ, हरमो, जगह का नाम है। वैसी देखो ये भोरमदेव, और ये देखो इस वाले पूरा बेल्ट पर, इस बेल्ट पर, ये इस बेल्ट पर MP से टच भी है, ये एक नेशनल पार्क, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण। इस वन्य जीव अभ्यारण का नाम है भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। छोटा छोटा डैम है, छोटा छोटा क्या है, परियोजना है। ये देखो बंजर और तांड, PNT, बंजर और तांड, छोटा छोटा परियोजना देखिए, तूतिया पाठ, कर्रा नाला, तूतिया पाठ, कर्रा नाला, ये छोटा छोटा क्या है, इस पर डैम बना हुआ है। हरिन छपरा, एक और जगह का, एक और डैम का नाम क्या है, हरिन छपरा। सॉरी हरिल छपरा क्या है इसका, इंडस्ट्रियल एरिया, सॉरी हरिल छपरा बोलता हूं, छिरपानी, क्या नाम है इसका, छिरपानी, ठीक है। बेहरा, ये देखो बंजर नदी पर एक डैम है बेहरा खार, इसका नाम याद रखना बेहरा खार, बेहरा खार, इसका नाम याद रखना छिरपानी, इसका नाम क्या याद रखना है आपको, कर्रा नाला बैराज, कर्रा नाला, और एक क्या बताया, सूतिया पाठ, सूतिया पाठ, ये छोटे 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 बहुत सारे यहां पर डैम है, ठीक है। एक ठोक वाटरफॉल याद रखना, यहाँ का एक लोकल स्ट्रीम पर है, यहाँ की एक लोकल सरिता पर है, किसी विशेष नदी पर नहीं है। इसका नाम है देखो रानी, दहरा, हरा वर्ड आना चाहिए, हरा, ग्रीन,
ठीक है, क्वीन, क्वीन ऑफ द ग्रीन, ठीक है, हरा वर्ड आना चाहिए, रानी दहरा, दहरा। अब रानी एक जगह पड़ेगा दरहा, नीचे सुकमा में, रानी दाह जसपुर में, तीन ठो वाटरफॉल है, तो ध्यान से देखना है, रानी हरा, रानी दहरा, रानी दहरा, ये वाटरफॉल है, इतना याद रहोगे। चलो देखते हैं, इतना काफी है, ठीक है, इतने इस पार्ट याद रखना है आपको कम से कम, ठीक है। कांदावानी की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ताप नदी का। सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैकल पर्वत श्रेणी से, ठीक है। स्टार्ट देखिए अब ध्यान से, चिल्फी घाटी, NH-30 पर सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा अपने को? चिल्फी घाटी। कौन सा जगह पड़ेगा? चिल्फी घाटी सबसे पहला। चिल्फी घाटी एक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ओके, चिल्फी घाटी को जैसे पार करेंगे अपने को पड़ जाएगा इधर MP, तो ये NH-30 का प्रवेश द्वार है। वैसे ही ब्रिजवानी बताऊंगा, राजनांदगांव में NH-53 का प्रवेश द्वार है, ये NH-30 है। तो चिल्फी घाटी से एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा, यहाँ पर बहुत फेमस क्या है? सागौन के वन। पूरा छत्तीसगढ़ फेमस है साल के लिए, दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ दोनों फेमस किसके लिए हैं? साल के वनों के लिए। लेकिन सागौन के वन दो जगह बहुत फेमस है, एक आपको याद रखना है, खुरसेल घाटी। कौन सा घाटी? नारायणपुर का खुरसेल घाटी, और दूसरा याद रखना है कवर्धा चिल्फी घाटी। दोनों किसके लिए फेमस है? अपने सागौन वनों के लिए। किस वनों के लिए? सागौन वनों के लिए। यहीं पर एकदम नया टूरिस्ट प्लेस एकदम फेमस हो रहा है, सरोधा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सरोधा पॉइंट। यहाँ पर याद रखना है, पर्यटन का बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, वर्तमान में सरोधा डैम भी है, क्या यहाँ पर एक छोटा सा पिकअप वेयर है, सरोधा पिकअप वेयर, ठीक है। आगे चलेंगे तो एक तहसील पड़ेगा, नाम है बोडला। इस तहसील का नाम बस याद रखना, बोडला है कुछ नहीं इस तहसील में, लेकिन इसका नाम याद रखना है, तहसील का नाम बोडला, बोडला तहसील। इस बोडला तहसील में ए बी सी और डी, लेकिन ग्रुप बनाना है ए सी का और बी डी का, ए का सी के साथ ग्रुप बनाना है और बी का किसके साथ बनाना है? डी के साथ। अब ध्यान से नाम सुनो, एक लामा, एक लामा, चेलिक लामा, चेलिक लामा, एक लामा और चेलिक लामा, ये दो तो एसी का मतलब। पीडी बोदई, कादई बोदई और दलदली, एक लामा चेलिक लामा, एक लामा चेलिक लामा, बोदई और दलदली। अरे कोई लड़की कमजोर रहती है उसको बोलते हैं बोदी, बोदई, बोदई और पूरा दलदल है दिमाग उसका, क्या पूरा दल, ऐसे याद रख। लेकिन देखिए एक लामा अभी यहां मिलता क्या है, ये मेन है कि देखिए, तो आपको याद रखना है, यहां से मिलेगा आयरन ओर, लौह अयस्क, और यहां से मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। तो ये मिलेगा आयरन ओर, यहां से मिलेगा बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या मिलता है आपको? एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। तो देखिए ध्यान से, अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये कौन से क्रम की चट्टाने होगी? धारवाड़ रॉक्स। कौन सा रॉक्स? धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है क्या? लोहा। दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। और थोड़ा सा यहां पर कवर्धा में लाइम स्टोन, मतलब कड़प्पा क्रम की चट्टाने भी है। कौन से क्रम की चट्टाने हैं? तीनों याद रखना है तो आपको गोंडवाना, सॉरी धारवाड़ रॉक्स, साथ में याद रखना है कैसा, दक्कन ट्रैप, और साथ में याद रखना कड़प्पा, ये तीनों चट्टाने हैं। कैसे हैं? चट्टान पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टि से
सबसे कीमती अगर चट्टान की बात करेंगे तो धारवाड़ है। पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकल वे से अगर बात किया जाए तो सबसे यूजफुल अपना चट्टान कौन सा है? धारवाड़। लेकिन इन इंडिया में अगर इकोनॉमिकल दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सा चट्टान प्रसिद्ध है या कौन सा इकोनॉमिकल दृष्टि से अच्छा है, तो हमारे यहाँ आएगा गोंडवाना। हमारे यहाँ इंडिया में क्या आएगा? गोंडवाना। लेकिन इंटरनेशनल की बात करेंगे, ग्लोबल में बात करेंगे, इकोनॉमिकल के लिए कौन सा आएगा? तो धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स में याद रखना है मेनली मेन खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, टीना हो गया, गोल्ड हो गए। समझ में आ रहा है? ये सब किस में पाया जाएगा? धारवाड़ रॉक्स पे। किस में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे। तो एक लामा चेलिक लामा में क्या पाया जाता है? कवर्धा में आयरन ओर। क्या पाया जाता है? आयरन ओर। बोदई और दलदली में क्या पाया जाता है? तो ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। ये खत्म हुआ ABCD। फिर इसके बाद आ जाइए चौरागराम। जगह का नाम क्या है? चौरागराम। पहले कुछ और बोलते थे, लेकिन आपको PSC भी आंसर ले चुका है, व्यापम भी। चौरागराम में ये तीनों जगह याद रखना, भोरमदेव मंदिर, मड़वा मंदिर और छेरकी महल या छेरकी मंदिर। छेर बता रहा हूँ तो छेरकी। ठीक है, बकरी बकरी। ठीक है, छेरी। क्या बोलते छत्तीसगढ़िया लोग बकरी को? छेरी। चलिए पहले मेन का बात करते हैं, भोरम देव मंदिर। कौन सा मंदिर? भोरम देव मंदिर। देख के बात करें कि ये है मैकल माउंटेन रेंज। ये दिख रहा है? कौन सा रेंज है ये? मैकल माउंटेन रेंज। ये देखिए पूरा का पूरा मध्य प्रदेश भर। ये देखो जैसे ये चढ़ा, इस पार बाउंड्री किसकी है? छत्तीसगढ़ की। इस पार किसकी बाउंड्री है? मध्य प्रदेश की। ये रहा भोरमदेव मंदिर, दिख रहा है? कौन सा मंदिर? भोरमदेव मंदिर। ध्यान से देखिए, भोरमदेव मंदिर का निर्माण, ठीक है, यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल्ड करता था जिसका नाम है फणी नागवंश। मैकल माउंटेन रेंज पर एक डायनेस्टी रूल्ड करता था, शासन करता था, जिसका नाम है फणी नागवंश। तो फणी नागवंशी राजा गोपाल देव के शासन काल में, ध्यान से सुनो मेरी बात, फणी नागवंशी शासक गोपाल देव के शासन काल में लक्ष्मण देव राय के द्वारा 1089 AD में, 1089 89 ईस्वी में इस भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि नागर शैली में है। किस स्टाइल में बना है? नागर शैली। मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां होती है, उसमें एक याद रखना है नागर शैली। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, साउथ इंडिया में बेसर शैली, सॉरी साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली, नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली, और दोनों वाला एरिया है उसमें बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर शैली। तो उत्तर भारत में कौन सी शैली प्रसिद्ध है मंदिर निर्माण की? नागर शैली। तो ये याद रखना है, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, 1089 में गोपाल देव के शासन काल में बनने वाले का नाम लक्ष्मण देव राय। नागवंशियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक, भोरम देव एक आदिवासी देवता है, गौड़ देवता। इस मतलब आदिवासी लोग भोरम देव किसको बोलते हैं? शिव भगवान को। किसको बोलते हैं? शिव भगवान को। तो भोरम देव आदिवासी देवता है, प्रतिरूप किसका है? शिव का। तो काले ग्रेनाइट पत्थर में इसके गर्भगृह में, ठीक है, इसके गर्भगृह में किसका किसका चित्रांकन है? शिवलिंग है। क्या है बेटा? शिवलिंग है। यहीं पर याद रखना है, इनका जो है वंशावली भी मिलता है। गर्भगृह को इंग्लिश में बढ़िया वर्ड से बोलते हैं, सेडमेंट्री ऐसा कुछ नाम है गर्भगृह का, वही देख रहा हूं मैं। सेंटम सेंटोरम गर्भगृह को क्या बोलते हैं? सेंटम। अच्छा नाम है, सेंट आएगा, सेंट आएगा। ठीक है, क्या नाम है? सेंटम सेंटोरम। गर्भगृह में किसकी मूर्ति है, मतलब क्या रखा गया है? काले ग्रेनाइट पत्थर का शिवलिंग, काले ग्रेनाइट पत्थर का शिवलिंग। ओके, चूंकि ऐसा इस देखो सबसे प्रमुख बात इसमें जो ये जब बाहर इसका दर्शन करके जब बाहर आओगे
तो इन मंदिर में बाहर में उकेरे गए हैं काम मुख मूर्तियां मिथुन आकृतियों में, काम काम सेक्सुअल यहां पर चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, काम मुख था ये, मतलब इसको चित्रांकित किया गया था। यहीं पर देखो मड़वा महल बाजू में क्या है, मड़वा महल फेमस है अपने शादी ब्याह के लिए, मड़वा महल में शादी किया जाता था। अरे छत्तीसगढ़ी आदमी शादी करेगा तो मड़वा पहले घड़ी आएगा, मंडप में ही तो शादी होता है, शादी होता था, तो ये जीवन का एक अंग है ये समझाया जाता था। और दूसरा चीज, अगर मंदिर में जा रहे हो तो ये काम की भावना को मन से निकाल दीजिए और शुद्ध मन से कहां प्रवेश करिए, मंदिर के भीतर। ये इस भावना से पहले भी आज भी लोग इसके इस मैटर में बहुत सारे लोग जीरो हैं, तो भी ये कितना इंपॉर्टेंट मैटर है जो मिडिवल हिस्ट्री में आपके देखो यहां पर काय का चित्रांकन किया गया है, काम मुख, ठीक है, मिथुन चित्रों का यहां पर क्या किया गया है, अंकन किया गया है। ओके, चूंकि सेम चीज खजुराहो मध्य प्रदेश का खजुराहो, ठीक है, खजुराहो का मंदिर में किया गया है, सेम चीज क्या किया, कैसा कहां बना हुआ मंदिर में मध्य प्रदेश, खजुराहो कहां है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है, खजुराहो, इसे क्या बोला जाता है, भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ठीक है। 1089 इसी के बाहर प्रांगण में क्या रखा गया है, इनका अभिलेख है, नाम है भोरमदेव अभिलेख, क्या बोला जाता है इसको, भोरमदेव अभिलेख। यहां पर इनकी वंशावली मिली है, फणी नागवंशियों की वंशावली, 24 राजाओं का नाम लिखा गया है, कितने राजाओं का नाम लिखा गया है, 24 राजाओं का नाम लिखा गया है, तो ये वंशावली याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, आ जाओ अपने डायग्राम में, इसके आगे आएंगे तो अपने को पड़ेगा क्या, मड़वा महल, क्या महल, मड़वा महल, मड़वा महल मतलब ये एक राजा था, फणी नागवंशी राजा था, नाम है रामचंद्र देव, रामचंद्र देव है वंशी रानी के साथ, है वंशी मतलब कलचूरी रानी, रानी का नाम था अंबिका देवी, इसके साथ इसका विवाह फिक्स हुआ, ठीक है। दोपहर को 1:49 फिक्स टाइम, दोपहर को 1:49 शादी होना है, ठीक है। अब इसीलिए इसका किसका निर्माण कराया गया, मड़वा महल का। इसके भी गर्भगृह में किसका फोटो है बेटा, तो याद रखना, इसके भी गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग है, इसके भी गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग है, ठीक है। तो साथ में याद रखना है, दोनों जगह भोरमदेव मंदिर में भी महल में भी क्या है, शिवलिंग। अब टाइमिंग क्या फिक्स हुआ था, दोपहर का 1:49। अब इसको रेलवे टाइमिंग में तोड़िए, 1349 ईस्वी में इस मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया, रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए इसके बाद डेट याद रखना है, डेट क्या है इसका, 1349, कौन सा डेट है, 1349। तो इसके भी गर्भगृह में एक मूर्ति है शिवलिंग, ये देखो इधर देखो, ये रहा, ये मंदिर है, इधर देखो ये भोरमदेव मंदिर, इसके जस्ट बाजू में ये रहा कौन सा महल, मड़वा महल, कौन सा महल, मड़वा महल। इसको विशेष तौर पर राजा, नाम क्या है इसका, रामचंद्र देव, राजा का नाम क्या है, रामचंद्र देव, ये रामचंद्र देव, ठीक है, ये कौन से शासक, कहां का शासक था, ये फणी नागवंश का, ये किसके साथ शादी करना चाहता था, कलचूरी रानी, या है वंशी मिलेगा, कलचूरी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, है वंशी, नाम था अंबिका देवी, नाम क्या था इसका, अंबिका देवी के साथ, कब किस सन में, 1349 AD में
शादी के लिए इसका निर्माण कराया था। इसके भी गर्भगृह में क्या है, इसके भी गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग। तो ये भी किस देवता को समर्पित है, शिवा को। ठीक है, भोरम देव भी किसको समर्पित है, शिवा को। अब ये रानी अंबिका देवी क्या करती थी, सुबह सुबह घूमने जाती थी। ठीक है, रानी अंबिका देवी क्या करती थी, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाती थी, तो उसको एक जगह से बड़ा स्मेल आता था, बकरी का एक अजीब सा स्मेल होता है बकरी में। ठीक है, बार बार बोलती थी कि मेरे को बकरी का स्मेल आता है, इसीलिए यहाँ पर इसका एक महल बना दिया गया, नाम दे दिया गया इसको छेरकी महल। छेरकी महल कौन बनाया, किस लिए बनाया, कोई नाम नहीं है, आपको याद रखना है बस केवल 14th century 14वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या बनाया गया, छेरकी महल। इस महल के भी गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग है। इसके भी गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग है। ठीक है, चलें आगे। ये तीनों लाइन से, तो भोरमदेव मंदिर, उसके बाद मड़वा महल, उसके बाद छेरकी महल, ये तीन से लाइन से। इसके पास जगह पड़ेगा रामेपुर। नेक्स्ट प्लेस क्या है, रामेपुर। पूरे छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना रामेपुर, 2003 डेट 2003। और ये जिला कब बना कवर्धा, 1998। देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1998 में ये जिला बना। कौन जिला बना, कवर्धा। 1998 में क्या किया गया, इस कवर्धा को जिला बनाया गया। इस कवर्धा में देखो, पहले मुंगेली से पहले बिलासपुर था, तो बिलासपुर से इतना जगह को काटा गया पंडरिया को, और ये देखो राजनांदगांव से एक जगह मिला कवर्धा। तो इसका दो मदर डिस्ट्रिक्ट है, या इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है, दो है, एक है बिलासपुर और एक क्या है, राजनांदगांव। इन दोनों से मिलाकर कौन सा जिला बना, कवर्धा जिला बना। ये कवर्धा जिला बना 1998 में। एक बार इसका नाम चेंज किया गया, इसका नाम चेंज हुआ 2003 में। कब इसका नाम चेंज हुआ, ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है बेटा, इसका नाम कब चेंज हुआ, 2003 में। अब इसका नाम है कबीरधाम। अब इसका नाम क्या है, कबीरधाम। और 2003 में ही याद रखना है, इस राज्य का पहला शक्कर कारखाना भोराम देव सरकारी शक्कर कारखाना, भोराम देव कोऑपरेटिव शुगर मिल, 2003। कहां पर है, तो ये रामेपुर में। कहां पर है ये जगह, रामेपुर में। एक बात, दूसरा बात याद रखना है, अगर गन्ने से ही तो बनता है, किससे बनता है, गन्ने से। गन्ना जब आप गन्ना रस पीते हो गर्मी में, तो गन्ना को पेरने के बाद उसको जो डस्ट होता है उसको फेंक देते हैं, उसको बोला जाता है गन्ने का खोई। क्या बोला जाता है, वेस्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं, खोई। उसको जलाकर क्या करके, बर्न करके 6 मेगावाट, कितना मेगावाट, 6 मेगावाट बिजली जनरेशन होता है यहाँ पर, 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ये भी याद रखना। किससे, गन्ने के खोई से। पूरे छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल संयंत्र ये भी कहाँ पर बनाया जा रहा है, इसी जगह पर, भोरमदेव सरकारी शक्कर कारखाना रामेपुर, जगह का नाम रामेपुर। इसके बाद अगर चलते हैं आगे, तो हरिल छपरा, जगह का नाम हरिल छपरा। ये हरिल छपरा क्या है, कवर्धा जिले का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया है, एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, आगे चलेंगे तो पोंडी जंक्शन, ये कवर्धा याद रखना। कवर्धा से 3-4 बातें बता रहा हूं, ध्यान एकदम याद रखिएगा। कवर्धा एक तहसील है, विकासखंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। तहसील है, विकासखंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। 14 रियासतों में एक रियासत थी, 14 रियासतों में एक रियासत थी। इस रियासत के राजा एक समय में याद रखना है, ठीक है, धर्म सिंह, ठीक है, धर्मराज याद रखना, धर्म सिंह नहीं, धर्मराज। इस कवर्धा रियासत के राजा का क्या नाम था, धर्मराज। इस धर्मराज ने एक जबरदस्त यहां पर पैलेस बना दिया, धर्मराज। तो क्या, ये देखो कोरिया, इसका पैलेस देखो, इस पैलेस को ना 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। ये देखो, इसका नाम है कवर्धा पैलेस या कवर्धा महल, कवर्धा पैलेस या कवर्धा महल, ये रहा देखो, ये है कवर्धा। इटालियन ग्रेनाइट से बना, ये इटालियन ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। कवर्धा पैलेस जाने के लिए
एक प्रवेश द्वार पार करना पड़ेगा आपको, एंट्री रहेगा, इसको बोला जाता है हाथी दरवाजा। दो बार व्यापम पूछ चुका इसको, हाथी दरवाजा। इसके दोनों के डिजाइनर का नाम याद रखना है धर्मराज। धर्मराज, ये धर्मराज कौन था? तो जो कवर्धा रियासत के क्या थे, राजा थे। ठीक है, एक बात। तहसीलें विकासखंड है, जिले का जिला मुख्यालय। वर्तमान में 13 कैबिनेट मंत्री में एक कैबिनेट मंत्री, नाम क्या उनका? अकबर कुर्राम, ए मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर यहां से क्या है, मंत्री हैं। कहां गया रे, आए गया क्या? ले चलो, पूरा गया, कोई बात नहीं, अपने क्या करना है। ठीक है, अरे बता दूंगा ना भाई। मोहम्मद अकबर, हम क्या थे इनका, मोहम्मद अकबर। ध्यान से सुनो आप, ठीक है, क्या गया है? ये रहा, ये रहा, ठीक है, चलिए, कहीं ना कहीं से आ जाएगा ना। कवर्धा, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, 13 कैबिनेट मंत्री में से एक कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में याद रखना है वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार ना। पहले देखो, मैं ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले इस मंत्रालय का नाम, दो बार क्वेश्चन आ चुका है, इस मंत्रालय का नाम था वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। डिपार्टमेंट का नाम क्या था? वन एवं पर्यावरण। लेकिन अब इसका नाम हो गया वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु, क्लाइमेट भी जुड़ गया, फॉरेस्ट के साथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ क्या जुड़ गया, क्लाइमेट, जलवायु मंत्रालय। ये तीनों ये मंत्रालय किसके पास है? मोहम्मद अकबर के पास। ठीक है, किसके पास है? मोहम्मद अकबर के पास। आठवें, देखो ध्यान से, कबीर पंथियों का आठवां गुरु, नाम इसका नाम याद रखना हक नाम साहिब। हक नाम साहिब के द्वारा बसाया गया शहर था, इसीलिए चूंकि कबीर पंथ का जगह था इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, कबीर धाम। 2003 में इसका नाम क्या पड़ा, कबीर धाम। पढ़ लिए, नाम क्या पड़ा इसका, कबीर धाम। ठीक है, इतनी बातें कहां से याद रखना है, कम से कम कवर्धा से। ठीक है, मेन याद रखना है यहां से कवर्धा से, कौन से नंबर का राजा था वो अंतिम राजा। विलय पत्र पर भी साइन किस तरह किया है, धर्मराज के द्वारा। ठीक, आगे चलें, इस रोड पर ऊपर चलते हैं तो पहला जगह पड़ेगा, देखिए बकेला। बकेला में 23वां जैन तीर्थंकर, 23rd 23वां जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यहाँ पर क्या पाया गया, मूर्ति। बाद में यहाँ पर यह बना दिया गया इसका मंदिर, तो पार्श्वनाथ का मंदिर, जैन धर्म का तीर्थ स्थल बकेला। बकेला के ऊपर जगह का नाम विशेसरा, जगह का नाम विशेसरा, छत्तीसगढ़ का चौथा शक्कर कारखाना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कारी शक्कर कारखाना। ओके, 2015-16 वर्तमान समय में पूरे भारत का सबसे अधिक शक्कर उत्पादन करने वाला ये प्लांट है। यहां पर 14 मेगावाट प्रस्तावित है, लेकिन यहां पर 6 मेगावाट उत्पादन होता है। यहां पर 14 मेगावाट क्या होगा, प्रस्तावित है। ठीक है, तो जगह देखो, ये सब बातें मैं जो कर रहा हूं ना, ये पंडरिया तहसील की है, तहसील का नाम पंडरिया, लेकिन आजकल कहां पहुंचने लगा है ये सब जगह पर, बकेला विशेसरा, ये छोटा छोटा चीज पूछता है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो तहसील पड़ेगा पंडरिया, तहसील का नाम क्या है, पंडरिया। पंडरिया तहसील बिलासपुर से अलग किया गया, जबकि कवर्धा को किससे लिया गया था, अजनांदगांव से। ठीक है, पंडरिया तहसील से एक ही चीज जान, यहां पर एक महिला विधायक है, एमएलए,
नाम क्या है इसका, ममता चंद्राकर, सुश्री ममता चंद्राकर। वर्तमान में ममता चंद्राकर ये खैरागढ़ में एक विश्वविद्यालय है, संगीत कला एवं संगीत कला विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, वहां पर कुलपति है, ठीक है, वहां पर क्या है, कुलपति, ठीक है। इसके बाद ये जगह याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, नाम क्या है इसका, पचराही, जगह का नाम पचराही। ये पचराही तीन प्रकार का स्थल है, एक तो याद रखना है ये ऐतिहासिक स्थल है, दूसरा बात याद रखना है ये पुरातात्विक स्थल है, और तीसरा बात याद रखना है ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल इसलिए देखो, पहला बात तो पुरातात्विक, सबसे मेन पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ का खुदाई होगा, खुदाई करने का वाले का नाम है सोबरन सिंह, सोबरन सिंह यादव, इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, खुदाई किया गया। खुदाई करने से सबसे पहला चीज मिला उमा महेश्वर की प्रतिमा, उमा महेश्वर की प्रतिमा। देखो अगर एक ही चित्र में एक तरफ शिव भगवान हो और एक तरफ पार्वती माता, तब इसको कहते हैं उमा महेश्वर, तब क्या बोला जाता है, उमा महेश्वर की प्रतिमा। कहां पे खुदाई से मिला, पचराही से। दूसरा चीज याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी का तांबे का सिक्का, अलाउद्दीन खिलजी के तांबे के सिक्के याद हो रहा है। मोलास्का का जीवाश्म, मोलास्का बोलने का मतलब देखो ध्यान से, ऐसे जीव जिसके में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन जीवों को क्या बोलते हैं, मोलास्का। घोंघा देखे, घोंघा हो गया, घोंघा सीपी, अरे नाम बस सुने रहा, मैं बताऊंगा ना क्या है, तेरे पूरा घोंघा बना देंगे, टेंशन नहीं ले। तो घोंघा सीपी ये सब जीवों में क्या नहीं होता, रीढ़ की हड्डी, इनको क्या बोला जाता है, मोलास्का। तो मोलास्का के अवशेष मिले, मौर्यकालीन यहाँ पर अवशेष पाए गए, गुप्तकालीन अवशेष पाए गए, वर्तमान समय में इसको क्या कर दिया गया, एक पूरा एक संग्रहालय बना दिया, म्यूजियम। तो पचराही पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट के साथ साथ म्यूजियम भी है, पचराही क्या है, एक प्रकार का म्यूजियम भी बन गया पचराही, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है आपको, कहां से, पचराही से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पचराही किस नदी के तट पर है, हाफ नदी के तट पर है, हाफ नदी के तट पर है। ये देखो रामचुआ हमरो, ये जगह पर आ जाओ आप। अच्छा ये रामपुर ठाटापुर, रामपुर ठाटापुर बकरी प्रजनन केंद्र, ठीक, बकरी प्रजनन केंद्र है। इसके बाद सहसपुर लोहारा, लाइमस्टोन का भंडार है, काय का भंडार है, लाइमस्टोन का भंडार है, ठीक है। चलिए इसके बाद रामचुआ हमरो, जगह का नाम देखो रामचुआ हमरो, यहां पर बन रहा है छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी, छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी। पहला कहाँ है, नवा रायपुर, कहाँ है पहला, नवा रायपुर। दूसरा जंगल सफारी प्रस्तावित है, और क्या है ये, प्रस्तावित है। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं, ये है क्या, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम क्या है इसका, भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2001 में बना, कब बना, 2001। तो राज्य निर्माण के बाद, राज्य का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर सन 2000, राज्य निर्माण के बाद बनने वाला पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और टोटल में 11वां है। टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 11, और कितने नेशनल पार्क, 3। ये लोल टाइप का सवाल भी आ गया था, ठीक है, ये भी सवाल आया था परसों वर्षों, कितने नेशनल पार्क है, 3, ठीक है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 11। इस 11वां में इसका स्थान है 11वां, सबसे लास्ट, और राज्य बनने के बाद सबसे पहला। नाम क्या है, भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल एरिया 163 किलोमीटर स्क्वायर, 163 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, ओके। ये बदरगढ़ की ऊंचाई 1176, ये है कांदावानी हिल्स, ठीक है, कांदावानी से हाफ नदी निकलती है। अच्छा इधर देखो ध्यान से, छोटा छोटा डैम है, एक दो बार बोलना है, कर्रा नाला, सोतिया पाट, ठीक है, छीर पानी, ओके। साथ में देख, सरोदा डैम है, एक वाटरफॉल रानी दाह अलग है, रानी दरह अलग है, और ये है दानी रानी दहरा, हरा बोलना है, हरा, ग्रीन, ठीक। साथ में ये याद रखना, माइकल माउंटेन रेंज को बैगांव का घर कहते हैं,
क्या बोला जाता है? पैगा। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा विशेष घोषित जनजाति पांचवा में से तीसरा आ गया पैगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेडिसिन मैन ऑफ गोंड, झाड़ फूक करने वाले पैगा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैगा कहलाते हैं। ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जनजातियों में देखेंगे। पैगा के साथ हमेशा रहेगा अगरिया। पैगा के साथ हमेशा क्या रहता है? अगरिया। तो पैगा और अगरिया दो जनजाति याद रखना है, पैगा और अगरिया, ठीक है। कुछ छूट रहा है तो बताओ। बंजर और तांड दो नदियां हैं, किसकी सहायक है? नर्मदा की। क्वेश्चन क्या पूछेगा? नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम से, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा कौन कौन सी नदियां हैं? तो बंजर और तांड, ये देखो बंजर और तांड, ये दो नदियां हैं जो किस ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है? नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। मैक्सिमम नदियां किस ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा होती है? तो महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है? महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, इतना याद रखना था आपको। और कुछ छूट रहेगा?